Hi student, good morning to all of you. I am G.S.DHONI and your YouTube channel name G.S.DHONI English classes. हमने पिछला क्लास में आर्टिकल का पार्ट वन जिसमें हमने ट्रिक के माध्यम से जाना था कि ए या एन का यूज कहाँ करते हैं और उसमें हमने देखे थे जो ट्रिक था एसी वर्ब में इसका ट्रिक का नाम था एसी वर्ब और एसी वर्ब में हमने देखे थे कि सी मीन्स होता है आपका कंसोनेंट और भी मीन्स होता है वर्ब यानी कंसोनेंट रहता है तो उसके पहले हम एक यूज करते हैं और वर्ब रहता है तो उसके पहले हम लोग एन यूज करते हैं ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे आज हम लोग वर्ब का पार्ट वन लेके आए हैं जो मेनली रूप से बेसिक है और अगर ये जान लेते हैं तो फिर आपके पास टेंस का पहचान करने में सबसे आपके पास आसानी होगा इस आज सबसे फर्स्ट पार्ट आप लोग को मेन वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे वर्ब है वर्ब में सबसे पहले होता है आपके पास क्रिया और वर्ब एक लैटिन वर्ड से बना है वर्ब एक लैटिन वर्ड के मिलने से बना है और ये जो वर्ड होता है वह है आपके पास वर्बियम है वर्बियम मीन्स होता है आपके पास वर्ब वर्बियम मीन्स होता है वर्ब वर्ब मीन्स आप इसको या तो काज करना कर सकते हैं या इसी को आप काम करना भी कर सकते हैं ये आपके पास वर्बियम होता है आपसे पूछेगा कि वर्ब मीन्स होता है क्या है तो वर्ब मीन्स होता है क्रिया वर्ब एक लैटिन वर्ड वर्बियम से बना है यानी कि यहाँ पर आप वर्ब है वर्ब में यहाँ पर सिर्फ ओनली फॉर आम मतलब यू एम आम अगर ऐड करते हैं तो वर्बियम होता है और ये जो वर्ब वर्बियम है वर्बियम का अर्थ होता है वर्ब वर्ब मीन्स होता है काज करना अर्थात अगर इसको हम लोग डिफिनेशन के तौर पर अगर देखा जाए तो इसको हम ऐसे इसको बोल सकते हैं A verb is a doing word. या इसी को एक और डिफिनेशन बोल सकते हैं कि doing word यहां से भी आप लेके जा सकते हैं बोल सकते हैं कि doing word is called verb मतलब अगर इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो आप इसको बोल सकते हैं काम करने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं काम करने वाले शब्द को क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं ये इसका आपके पास दो डिफिनेशन हुआ एक आपके पास हुआ आपके वर्ब मीन्स होता है क्रिया यानी आप इसको कह सकते हैं कि वर्ब एक लैटिन वर्ड वर्बियम से बना है और वर्बियम का अर्थ होता है वर्ब वर्ब मीन्स होता है या तो काज करना या इसी को हम लोग काम करना भी कह सकते हैं काज करना या काम करना अगर डिफिनेशन के तौर पर कहा जाए तो वर्ब को बोल सकते हैं कि ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड या इसी को डूइंग वर्ड आप आगे भी लेके आ सकते हैं बोल सकते हैं कि डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब यानी कि बोल सकते हैं डूइंग वर्ड मतलब काम करने वाले वर्ड का मतलब शब्द काम करने वाले शब्द को वर्ब कहते हैं यानी कि क्रिया कहते हैं और इस तरह से हमने वर्ब के बाद आपके कई तरह के क्रिया होते हैं कई तरह के वर्ब होते हैं लेकिन हमारे एग्जाम में खास करके टेंथ और ट्वेल्थ के एग्जाम में आपके पास वर्ब होते हैं उसका मेनली रूप से दो तरह के यूज आता है वह आता आपके पास यूज के आधार पर ऐसे तो वर्ब आपके पास बहुत सारे हैं जैसे आपके पास फॉर्मेशन के व्यू के आधार पर ऑब्जेक्ट के आधार पर यूजेज के आधार पर जैसे फाइनाइट नॉन फाइनाइट ट्रांजिटिव वर्ब इन ट्रांजिटिव वर्ब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लेजिकल वर्ब बहुत सारे हैं लेकिन हमारे पास अगर यूज के आधार पर कहा जाए तो वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया है वो आपके पास यूज के आधार पर बांटा गया है और यहाँ पर यूज के आधार पर जो वर्ब है उनका दो भागों में बांटा गया है यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब इन या इसको बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूज व्यू मतलब कि प्रयोग के आधार पर आपके पास प्रयोग के आधार पर जो वर्ब होते हैं वह वर्ब को दो भागों में बांटा गया है प्रयोग के आधार पर ऐसे तो वर्ब बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर प्रयोग के आधार पर मेनली रूप से चलना जो फर्स्ट जो पॉइंट आता है उसको आपके पास आता है जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं हेल्पिंग वर्ब और सेकंड जो पोर्शन आता है हमारे पास वह होता है मेन वर्ब इसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं हेल्पिंग वर्ब मीन्स क्या होता है और मेन वर्ब मीन्स क्या होता है हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया और मेन वर्ब मीन्स होता है मुख्य क्रिया हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया और मेन वर्ब मीन्स
होता है आपका मुख्य क्रिया। ये दो बातों में चर्चा करना, हेल्प का मतलब होता है आपके पास हमेशा मदद करना, और मदद जब कब करेगा तो हमेशा आपके पास मेन वर्ब को मदद करने के लिए आता है। और इसके पास आपके पास मेनली रूप से एग्जाम में डेफिनेशन के तौर पर नहीं, लेकिन इसके आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो सबसे अधिक क्वेश्चन इस बार हेल्पिंग और मेन वर्ब आपके पास एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है भर कर। तो हम लोग इसके बाद देखते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह हेल्पिंग वर्ब का संख्या होता है तो कितना होता है। तो हेल्पिंग वर्ब की संख्या बोलेगा तो बोलेगा कि 24 होते हैं, 24 होते हैं। उसमें से फर्स्ट पार्ट आपके पास आता है इज, आर, एम, वाज, वर। उसके बाद फिर हम यहाँ पर बोल सकते हैं डू, डज, डिड। उसके बाद फिर हम यहाँ से लेकर चल सकते हैं आपके पास हैज, हैव, हैड। उसके बाद फिर हम लिख के चल सकते हैं आपके पास हैज एंड हैड के बाद फिर आपके पास सेल आ सकता है, शुड हो जाएगा, फिर विल होगा, विल के बाद फिर यहाँ पर वुड आ जाएगा, फिर आपके पास कैन आता है, कैन के बाद कुड, उसके बाद मे, माइस्ट, मस्ट, नीड, डेयर, और दो और आते हैं उनका नाम है ऑज टू और एक का नाम है यूज टू। इस पर ध्यान रखें कि आपके पास टोटल इनका जो संख्या होता है 24 होते हैं। आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी नंबर से हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितना होता है, तो बोले आपके बताया था देयर आर 24 नंबर से हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होते हैं। लेकिन स्टूडेंट को इस तरह से याद करने में बहुत सारे परेशानी होता है, बहुत सारे याद करने में। तो इसके चलते आपको आसानी करने के लिए, याद करने के लिए हमने इसके पास आपके पास एक ट्रिक रखा है, और मात्र आपको 24 वर्ड चुटकी में रहता आपको याद हो सकता है बिल्कुल, अगर ध्यान देते हैं तब। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्त के पास, अपने भाई के पास, हर चीज के पास, सभी के पास आप शेयर करें, और इस चैनल को सबसे पहले आपके पास सब्सक्राइब करना नेसेसरी है और जरूरी है। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें। तो देखते हैं 24 को आपके पास होते कौन कौन है। फर्स्ट पार्ट में बोला कि आपके पास जिसको हम लोग बोलते हैं बी भर, सेकंड जो पार्ट आता है उसके बाद हम बोल सकते हैं पर डू भर, जो थर्ड पार्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं हैव भर, हैव भर। उसके बाद फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन आता है, फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडल भर। यानी कि टोटली आपके पास कितने तरह के आपके पास संख्या आते हैं, ये अगर 4 याद रख पाते हैं बिल्कुल आसानी से आपके पास याद हो जाएगा। 24 ऐसे कितने याद कर सकते हैं, तो इसलिए बी भर होता है। बी भर में आपके पास ई जाता है, आर, एम, वाज और वर बोल सकते हैं। ये आपके पास टोटल संख्या इसके 5 ही होते हैं, बस आपको यही याद रखना है। सेकंड नंबर आता है डू भर, बी भर बोलेगा जहाँ तक इज, आर, एम, वाज, वर। डू भर बोलेगा तो इसमें सिर्फ 3 होता है, डू, डज और डिड चले जाते हैं। और हैव भर बोलेगा तो इसमें हैज आते हैं, हैव आते हैं और बाबू यहाँ पर हैड आते हैं। थर्ड आता है आपके पास मॉडल भर, इसके संख्या आपके पास 13 होती है, इसमें आपके पास सेल आ जाता है, सेल के बाद सुड, फिर विल आ जाता है, विल के बाद यहाँ पर वुड, फिर कैन, कैन के बाद यहाँ पर फिर कुड चलेगा, फिर यहाँ के बाद आपके पास मे चल जाता है, मे, माइस्ट, मस्ट, नीड, डेयर, दो और आ जाते हैं उनका नाम है ऑज टू और एक का नाम है यूज टू, ऑज टू और यूज टू। ये टोटल इनके पास अगर नंबर बोला जाए तो नंबर इनकी संख्या 24 नहीं याद रख सकते हैं, तो आपके पास इस तरह से अकॉर्डिंग करके अनुसार आप बता सकते हैं। आपको पूछा कि बताइएगा कि हेल्पिंग की संख्या कितना, तो बोलेगा 24। बोलेगा कैसे होता है यार, आप आसानी से बोल सकते हैं कि इसका 4 फॉर्म में बांटा गया है, एक का नाम बी भर है, एक का नाम डू भर है, एक का नाम है भर है, एक का नाम मॉडल भर है। 4 नंबर बोलिए बस, सीधे से आपके पास कंप्लीट है। बी भर, बी की संख्या 5 होते हैं, ई, आर, एम, वाज, वर, फर्स्ट आपके पास क्लियर हो जाएगा। इनका अगर संख्या पूछेगा, नंबर पूछेगा बी भर की, इनकी संख्या 5 होते हैं। अगर यहाँ पर डू भर को बोला जाए इसके संख्या 3 होते हैं, डू, डज और डी, ये आपके पास 3 होते हैं इनकी संख्या। अगर यहाँ पर हैव भर बोलेंगे जिसकी संख्या भी 3 होते हैं, हैज, हैव और क्या होते हैं, हैड होते हैं। इसके साथ मॉडल भर आता है जो सबसे लास्ट, इसकी संख्या 13 होता है, सेल, शुड होता है, विल, वुड, कैन,
could, उसका फिर may, might, must, तीन यहाँ हो गया, need, dear, और यहाँ से ought to और यहाँ से used to, इसकी संख्या बाबू 13 होते हैं, 13 होते हैं, यानी कि 5 3 8 3 11 और 13 का ऐड करते हैं तो टोटल हमारे पास 24 आ जाता है। तो इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब को आसानी से याद कर सकते हैं, उतना बड़ा तो नहीं लेकिन ये जो शॉर्टकट आपके पास रूप बता है इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। इसको वी वर्ब यूज कहां करते हैं, डू वर्ब यूज कहां करते हैं, हैव वर्ब यूज कहां करते हैं, मेड वर्ब पता है, मॉडल वर्ब यूज कहां करते हैं, ये तमाम चीज सिर्फ यूज सिर्फ एक वीडियो और लेकर आएंगे, उस वीडियो हम देखेंगे ताकि आपके पास चारों का यूज कहां कहां करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग पास सबसे जो लास्ट पॉइंट आता है वो आपके पास आता है हेल्पिंग वर्ब तो हो चुका है, अब हमारे पास आता है मेन वर्ब का। मेन वर्ब आखिर होता क्या है।